दोस्तों सबसे पहले आप मेरी जम देखो, इसके बाद आप वीडियो पूरा देखोगे तभी जाके आप समझोगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना बिना काटे हुए जब आपको समझ में आए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आज बात करूंगा लॉन्ग जम को कैसे इंप्रूवमेंट कराया जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहा था कि भाई लॉन्ग जम के ऊपर वीडियो बनाओ, गर्ल्स का मैसेज आ रहा था कि भाई हमारी भर्ती नज़दीक आने वाली है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का हो चाहे बिहार पुलिस का हो, बंदे गलती करते बार बार लॉन्ग जम करके अपने इंजरी करवा रहे हैं, किसी के घुटने में आ रहा है, किसी के एंकल में आ रहा है, किसी के बैक में आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, रोज़ लॉन्ग जंप करने से आपका लॉन्ग जंप इंप्रूवमेंट नहीं होगा, साफ साफ क्लियर आपको मैं कर रहा हूँ। गधों की तरह आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर लॉन्ग जंप आपको इंप्रूवमेंट करना है, ध्यान से सुनना, लॉन्ग जंप अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज थोड़ी करना जरूरी है। वो करना जरूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अगर मान के चलो गर्ल्स का उदाहरण लेता हूँ, गर्ल्स कर रही है लॉन्ग जंप 9 फीट, ठीक है, अगर वो वार्म अप अच्छे से करती है, अच्छे से करके फिर लॉन्ग जंप करती है, तो कम से कम उसका 9.5 फीट लॉन्ग जंप हो सकता है। अगर बिना वार्म अप के कर रही है तो 9 फीट ही रहेगा, ठीक है, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपको अच्छे से वार्म करना है। वार्म एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो स्लो स्लो आप जॉगिंग कर सकते हो। जॉगिंग कैसे करना है, ये नॉर्मल ऐसे स्लो स्लो कर सकते हो, और ट्राई करना अगर आप लॉन्ग जंप की कर रहे हो चाहे स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तो आपको पंजों पे रनिंग करनी है स्लो स्लो बिल्कुल, ठीक है। ये करने के बाद 10 से 15 मिनट अच्छे से वार्म करने के बाद आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका, आइकन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, और नॉर्मल इसके बाद जो एक्सरसाइज करनी है आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, आपने ये हाथ रखा, ये एक्सरसाइज कर सकते हो, 10-10 बार कर सकते हो आप, ठीक है। ये इस साइड से भी करना है, इस साइड से भी करना है, देख लो आप अच्छे से। इससे क्या है ना दोस्तों, हैमस्ट्रिंग मसल इतनी अच्छी खुल जाते हैं जो कि आपके लॉन्ग जंप में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि लॉन्ग जंप में, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, ये यहाँ पर रखा, ये ठीक है, ये दोनों पैर से आपको सेम टू सेम यही करना है। आपको याद रखना है, वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज से पहले, लॉन्ग जंप से पहले आपको यही करना है आपको। अब इसके बारे में बताऊँ तो आप करना है आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है। देखो दोस्तों, लॉन्ग जंप में अच्छी इंप्रूवमेंट चाहिए ना भाई, तो आपको जंपिंग एक्सरसाइज पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बंदे क्या है जब वर्क करते हैं, पहले आप ये वाली वीडियो देख लो। दोस्तों इस वीडियो में देखो, जो मैं आपको आगे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जो बंदा जब जंप करता है, एक बार आप स्लो मोशन में अच्छे से देखने की समझने की कोशिश करो, जब ये बंदा जंप करता है तो ये जहाँ से लाइन होती है वहाँ से उठ नहीं पाता। मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो उठने में भी हेल्प करेगा, स्पीड में भी हेल्प करेगा, और लॉन्ग जंप को अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि दोस्तों बहुत बंदे गलती क्या करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं तो उठ नहीं पाते, ठीक है, या बहुत लोगों की गलती होती है रनिंग का मैं आपको आगे बताऊंगा, सबसे पहले एक्सरसाइज का बताऊंगा। एक्सरसाइज आप क्या क्या कर सकते हो, रोप जंप जानते हो आप, रस्सी जंप, ये वाला, ये करना है पंजों पर जैसे मैं कर रहा हूँ। जरूरी आप ये हाथ चला सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये रोप जंप कर सकते हो। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है ये बता रहा हूँ मैं, जो नए बिल्कुल बिगिनर है उनको ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले नॉर्मल ये वाला टच होके उठना है। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है सिंगल लेग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग जंप में जब आप उठते हो पावर रहेगा तभी उठ पाओगे, ठीक है, समझो मेरी बात को। कैसे करना सिंगल लेग, ये जिसमें पावर बिल्कुल नहीं है, जो सोचता है कि डरता हूँ मैं, उसको बिल्कुल स्लो स्लो करना है पंजों पे, ये इससे क्या है दोस्तों, आपके थाई में, पैर में, पंजों में इतनी पावर दे देगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा लॉन्ग जंप में। छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको मैं जो बताऊँगा, आपको करना है स्टैंडिंग जंप में आपको उठना है, ये आपको करना है। इससे आपका क्या होगा, जो लॉन्ग जंप में आपको हाइट चाहिए होता है उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये होगी हमारी पावर के लिए एक्सरसाइज, आपको पावर रहेगा तो नॉर्मल सी बात है लॉन्ग जंप अच्छी जाएगी। अब मैं बताऊँगा दोस्तों स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हो, रनिंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, जो सबसे ज़्यादा गलती रहती है। सबसे पहले स्पीड के लिए जान लो, स्पीड के लिए आपको करना है हाई नी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत बंदे का पैर नीचे चलता है। मैं दिखाऊंगा कैसे चलता है, करके दिखाऊंगा। हाई नी कैसे करना है ध्यान देना, ये इसमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपका पैर यहाँ तक उठना चाहिए, ठीक है, आप कर रहे हो ये, और ये नहीं कि बॉडी पीछे जा रही है, आपका सीधा रहेगा, हल्का आगे रहेगा, फिर हाई नी करनी है। दोस्तों हाई नी से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपकी स्पीड में। दूसरा आपको करना है, आपके पास कोई जगह है, ठीक है, ये थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, जगह है, कंटिन्यू आपको पैर के थ्रू, पैर देख लो,
ये फास्ट फास्ट करना है। अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हो चाहे स्प्रिंट कर रहे हो तो ये नहीं आपको ज़्यादा देर तक करना है, 10 सेकंड करा फास्ट 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 करना है बिल्कुल, ठीक है। तीसरा चीज़ आपको मैं जो बिल्कुल मिनी हाई नहीं होती है ये, ठीक है, हाथ चलाना है इसमें। बहुत बंदे ऐसे करते हैं लेकिन आपको हाथ चलाना है, क्योंकि हम रनिंग करते हैं लॉन्ग जंप करते हैं तो हाथ चलाना होता है स्पीड के लिए। तो ये फास्ट करना है, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड का आप कर सकते हो, स्पीड में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिग जैक रनिंग से आपको क्या फ़ायदा रहेगा, स्पीड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों। यकीन मानो लॉन्ग जंप बार बार करने से लॉन्ग जंप नहीं आती, जो ये मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इससे इंप्रूवमेंट आपको काफ़ी अच्छा आ जाएगा। कैसे करना है देख लो, जैसे कि मान के चलो ये आपका निशान है, ये दो निशान है दोस्तों, रोड थोड़ा पिछलन टाइप का है, मैं आपको आराम से करके दिखाता हूँ। ये टच करा, ये आपको फटाफट बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में करना है। रोड पे मैं आपको आराम से करके दिखा रहा हूँ, ये स्पीड के लिए एक्सरसाइज है। अब मैं बात करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर गलती यही करते हैं, जब आप लॉन्ग जंप करते हो तो आपका ज़्यादातर लोगों का पैर कैसे आता है, ये आता है नीचे घुटने ऊपर नहीं उठते आपके, ये ज़्यादातर मैंने खासकर लड़कियों के ये चीज़ देखा, लड़कों में भी देखा है लेकिन लड़कों में थोड़ा कम देखा है। तो आपको नीचे पैर ये नहीं चलाना, ये पैर थोड़ा घुटना आपका उठ उठ के आएगा रनिंग में, देख लो एक बार अच्छे से रनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप आ रहे हो तो ये पैर उठ उठ के आना चाहिए। अगर पैर उठते उठते आपका आएगा तो लॉन्ग जंप बिल्कुल अच्छी निकल जाएगा, नीचे करोगे तो लॉन्ग जंप नहीं निकलेगी दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अगर आपको और जानकारी चाहिए आप ये दो वीडियो देख सकते हो, लॉन्ग जंप और हाई जंप की, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट।